हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे म्यूज़िक के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड की नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस म्यूज़िक थ्योरी से लिए गए हैं। म्यूज़िक थ्योरी जो हम लोग देखते हैं कि बच्चे ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, टेंथ में पढ़ते हैं, मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में, बीए में और एमए में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके आगे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं, क्योंकि म्यूज़िक का जो पेपर होता है उसमें आपका 50% जो है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका ट्रू फॉल्स में आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आए, या फिर आपका मिलान करने के लिए आए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चलिए आज हम लोग जल्दी जल्दी इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके पहले ही हम लोगों ने म्यूज़िक के मॉडल पेपर, जो हमारा ट्वेल्थ का म्यूज़िक का मॉडल पेपर आता है यूपी बोर्ड स्पेशल, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संगीत में जिन ये यहाँ पर जिन ध्वनि लिखा होगा, यहाँ पर ध्वनि होना चाहिए, जिन ध्वनियों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, मतलब कि संगीत में जो आवाज़ हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग नाद कहते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं। तो एक सप्तक में हम सब जानते हैं कि हमारे 12 स्वर होते हैं। सप्तक 7 स्वरों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं, 7 स्वरों के क्रमबद्ध समूह को सप्तक कहते हैं, लेकिन एक सप्तक में शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल 12 स्वर बनते हैं। तो एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 लिखे या 12, तो इसमें कुल, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कुल कितने स्वर होते हैं, तो शुद्ध और विकृत आपके कुल 12 स्वर होते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कोमल स्वरों की संख्या होती है, तो कोमल स्वरों की संख्या कितनी होती है। हम लोग जानते हैं कि कोमल स्वर हमारे होते हैं रेगा धानी। ये हमारे 4 स्वर ऐसे होते हैं जो कि हमारे कोमल होते हैं। कोमल स्वरों की हमारी पहचान क्या होती है कि नीचे इसमें एक खड़ी लकीर बनी होती है, तो हमारे कोमल स्वर होते हैं 4। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जो आवाज़ कानों को सुनाई दे उसे क्या कहते हैं। जो आवाज़ कानों को सुनाई दे उसे हम लोग कहते हैं, ये हम लोग अपनी चौथा ऑप्शन भी हम लोग अपना देख सकते हैं। यहाँ पर यह ध्वनि होगा, ये ध्वनि है ऑप्शन में, तो जो हमारा जो हमें कानों से सुनाई देती है उसे हम लोग कहते हैं श्रुति। इसकी संज्ञा ऐसे दी जाती है कि श्रु यते इति श्रुति, मतलब कि जो कानों से सुनाई दे वही श्रुति होता है। इसकी संज्ञा श्रु यते इति श्रुति से दी जाती है, जो कानों को सुनाई दे उसे ही श्रुति कहते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि नाद के कितने भेद होते हैं। तो नाद के हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे नाद के 3 भेद होते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है। राग की उत्पत्ति हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर ठाट होगा कि राग की उत्पत्ति ठाटों से मानी गई है। तो हमारा छठा क्वेश्चन है कि राग की कुल कितनी जातियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर ये राग होगा, गलत लिख गया है, कि राग की कुल कितनी जातियाँ होती हैं। तो राग की हम सभी को पता है 9 जातियाँ होती है। हमारी मुख्य जातियाँ राग की 3 होती हैं, एक होती है हमारी औडव जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है, एक होता है शाडव जिसमें 6 स्वरों का प्रयोग होता है, और एक होता है हमारा संपूर्ण। ये 3 मुख्य जातियां हैं जिसमें हमारी ये है जो हमारा 7 स्वर इसमें प्रयोग होता है। और फिर इन तीनों को जब 3 से गुणा करेंगे, मतलब कि औडव, एक होती है हमारी जाति औडव औडव, एक होगी औडव शाडव और एक होगी औडव संपूर्ण, तो ऐसे ही हमारी कुल 9 जातियां बनकर तैयार हो जाती हैं। तो राग की कुल कितनी जातियां होती हैं, राग की हमारी कुल होती हैं 9 जातियां। एक सप्तक में कितने कोमल व कितने तीव्र स्वर होते हैं, तो हमें इसमें यहाँ बताना है कि एक सप्तक में कितने कोमल और कितने तीव्र स्वर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक सप्तक में हमारे 4 कोमल और एक तीव्र स्वर होता है। 4 कोमल स्वर हमारे रेगा धानी और एक तीव्र जो हमारा मा तीव्र होता है, इसे हम लोग कहते हैं 4 कोमल और मा तीव्र। एक सप्तक में कोमल व तीव्र स्वर, 4 कोमल और मा जो हमारा एक तीव्र स्वर होता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, थाट की संख्या कितनी है। तो थाटों की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि वो 10 लिखे या 72 लिखे, 72 लिखे या 10 लिखे। तो यहाँ पर थाट पूछे गए हैं आपके,
मेल नहीं पूछे गए, ये मेलों की संख्या है जो हमारी पश्चिमी भारत में जो हमारी एक पद्धति है जिसमें हमारे 72 मेल माने गए हैं, लेकिन उत्तरी भारतीय संगीत में मेल को ठाट कहते हैं जिनकी संख्या 10 है। तो यहाँ पर ठाटों की संख्या 10 है और जब आपसे मेल पूछेगा तो मेलों की संख्या आपकी 72 है। और हमारा नवा क्वेश्चन है, राग की मुख्य जाति होती हैं, तो ऊपर हम लोगों की उप जातियाँ, मतलब ऊपर पूछा गया था कि कुल कितनी जातियाँ, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मुख्य कितनी जातियाँ हैं, तो मुख्य जातियाँ हम लोग जानते हैं 3 हैं, हमारी राग की मुख्य जातियाँ होती हैं 3। 10वां क्वेश्चन हमारा, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग कहते हैं अवरोह, बढ़ते क्रम को आरोह कहेंगे और उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहेंगे। 11वां क्वेश्चन, राग के विशेष स्वर समूह को क्या कहते हैं, राग के विशेष स्वर समूह, विशेष यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि विशेष स्वर समूह, राग में विशेष स्वर समूह पकड़ को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह कौन एक, मतलब छोटा सा छोटा हमें एक स्वर समूह तैयार किया जाता है जो कि हमें बताता है कि ये राग कौन सा राग है, उसकी पहचान बताता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पकड़। तो राग का विशेष स्वर समूह जो हमें उस राग के बारे में बता दे उसे हम लोग पकड़ कहते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन, विलंबित ख्याल में कौन सी ताल उपयुक्त होती है, विलंबित ख्याल मतलब कि बड़ा ख्याल, बड़े ख्याल को विलंबित ख्याल भी कहा जाता है, तो विलंबित ख्याल में हमारी एक ताल बजती है। शाड़व जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि शाड़व जाति के राग में हमारे 6 स्वर लगेंगे, तो यहाँ पर शाड़व राग के राग में 6 स्वर लगे होंगे। अब है, राग में शत्रु स्वर का क्या नाम होता है, मतलब कि राग में शत्रु की उपमा किसे दी गई है, तो शत्रु की उपमा हमें दी गई है विवादी स्वर को, शत्रु की उपमा राग में दी जाती है। ध्रुपद गायन शैली मुख्यतः किस ताल में सबसे उपयुक्त है, तो ध्रुपद हम लोग जानते हैं कि 4 ताल में सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके बोल बहुत ही गंभीर होते हैं और 4 ताल के बोल भी गंभीर होते हैं, तो इसलिए इसे 4 ताल के साथ बजाया जाता है। 6वां क्वेश्चन हमारा, राग यमन का ठाट है, राग यमन हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कल्याण का दूसरा नाम यमन है, तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न वाला नहीं है, सीधे हम लोग कल्याण में लगा देंगे। बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़न होंगे कि पहले में आपने यमन दिया है, दूसरे में कल्याण दिया है, आप दोनों में ही लगा दीजिए, दोनों ही यहाँ पर सही हैं, चाहे यमन लगाइए या कल्याण लगाइए, ये एक दूसरे के नाम है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, 3 ताल में खाली पड़ता है, 3 ताल में खाली कहाँ पर पड़ेगा, 3 ताल में खाली तीसरे विभाग 9वीं मात्रा पर पड़ेगा। बहुत से बच्चे 8वीं मात्रा पर गेस कर लेते हैं कि 8वीं पर पड़ेगा, लेकिन नहीं, एक विभाग में 4 मात्राएं होती है और जब तीसरा विभाग आएगा तो वहां पर 9वीं मात्रा होगी, तो उसे हम लोग कहेंगे 3 ताल में खाली 9वीं मात्रा पर पड़ता है। 18वां क्वेश्चन हमारा कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तानसेन का जन्म हम सभी लोग जानते हैं कि बेहट में हुआ था, तानसेन का जन्म हमारा बेहट में हुआ था 1532 ईस्वी में बेहट जिले में हुआ था। एक ताल में विभाग होते हैं, अब यहाँ पर बताना है कि एक ताल में कितने विभाग होंगे, तो एक ताल में विभाग होते हैं 6 विभाग, 12 मात्राएं और 6 विभाग हमारी एक ताल में होते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, एक राग में अधिकतम स्वर लगते हैं, एक राग में अधिकतम कितने स्वर लग सकते हैं, हमारे 7 स्वर लग सकते हैं, न्यूनतम 5 स्वर, अधिकतम 7 स्वर एक राग में लगते हैं। 21वां क्वेश्चन, श्रुतियों की संख्या होती है, हम सभी लोग जानते हैं श्रुतियां हमारी 22 हैं और इनकी संख्या भी 22 होती है, श्रुतियों की संख्या 22 होती है। तबले के आविष्कारक हैं, तबले का आविष्कारक किसे माना गया है, तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना गया है, इन्होंने पखावज के 2 भाग करके, पखावज कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर वो बना होता है, जैसे तबले का एक भाग होता है, तो पखावज को इन्होंने बीच से 2 भाग कर दिए, एक भाग हमारा थोड़ा सकरा कर दिया और एक भाग हमारा चौड़ा ही रखा, तो तबले का आविष्कारक हमारे अमीर खुसरो माने जाते हैं। लय कितने प्रकार की होती है, लय हम सभी लोग जानते हैं, लय हमारी 2 प्रकार की होती है। तानपुरे में तारों की संख्या होती है, तानपुरे में हमारे तारों की संख्या 4 होती है, सितार में 7। हमारा 24वां क्वेश्चन है कि झप ताल में मात्राएं होती हैं, हमारी झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, झप ताल में हमारी होती हैं 10 मात्राएं, 4 विभाग और 10 मात्राएं, 2-3 हर विभाग में मात्राएं होती हैं।
25वां क्वेश्चन है कि राग में कितने न्यूनतम स्वर का होना अनिवार्य है। एक राग में आप न्यूनतम कितने स्वरों का प्रयोग करते हैं, तो उनकी संख्या है 5, अधिकतम 7, अधिकतम है हमारी 7 और न्यूनतम है हमारी 5। अब आपको हमें ये बताना है कि ध्रुपद गाने वाले को संगीत पे क्या कहते हैं, ध्रुपद गाने वाले को संगीत में क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ध्रुपद गाने वाले को क्या कहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या अन्य कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।